बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, इसी को लेकर आज राज्यसभा के लिए नामांकन का अंतिम दिन है और किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा है, जिसको लेकर कांग्रेस की सीनियर नेता और मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता भुक्कल ने तंज कसा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए संवाददाता विशाल एंग्रिश के साथ उनकी खास बातचीत। हरियाणा में राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। कोई एक राजनीतिक दल छोड़ के दूसरे में जा रहा है तो कोई दूसरा छोड़ के तीसरे में जा रहा है। फिलहाल इस समय हमारे साथ कांग्रेस की सीनियर नेता गीता भुक्कल हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन भी है। मैम, क्या कहेंगी, आपकी साथी आज रिज़ाइन कर चुकी हैं किरण चौधरी। कांग्रेस ने उनके ऊपर आपत्ति भी दर्ज की थी, लेकिन अब बातें साफ हो गई हैं। देखिए, बहुत समय पहले वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर गई थी और ज्वाइनिंग के समय में ही आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि उनका शरीर जरूर वहाँ था, आत्मा हमारे साथ थी। तो हो सकता है उन्होंने सच ही कहा होगा, बीजेपी वो छोड़ के जा। अब दोनों चलेगी? हाँ दोनों तो वो बीजेपी जिस दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ गई थी, वो तो स्पीकर महोदय ने कोई फैसला नहीं लिया, पिटीशन लगाते रहे, इन्होंने फैसला नहीं लिया और आज उन्होंने, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, आचार संहिता लग चुकी है, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोई बात नहीं, राज्यसभा में कांग्रेस उतारने जा रही है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है और टाइम भी है। देखिए, ये फैसला हमारे कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड का है। फैसला जो है कांग्रेस हाई कमांड, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष लेंगे या हमारे जो वरिष्ठ नेता है, ये उनका अपना फैसला है कि वो क्या फैसला लेते हैं इस बारे में हम कह नहीं सकते। हाँ, हमारे पास नंबर गेम ज़रूर कम है, ऐसे में जो भी पार्टी का आदेश होगा, हम लोग तो विधायक हैं, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन जेजेपी के ऊपर सभी की नज़रें थी, जेजेपी के जो विधायक थे छोड़ छोड़ के अपनी पार्टी से त्याग पत्र भी दे रहे हैं और कुछ समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ लोग इन टच भी हैं, तो जेजेपी का भविष्य क्या देखते हैं और बिखराव के मोड़ के ऊपर दिखाई दे रही है? जेजेपी का ना पहले भविष्य था ना आगे कोई भविष्य है। जब लोकदल से टूटकर जेजेपी बनी थी, कोई भी ऐसा ओरिजिनल कैडर का व्यक्ति नहीं जिसने चुनाव लड़ा हो और वो जीता हो। सब इधर उधर से लाए हुए लोग, जिनको टिकट नहीं मिली उन्होंने कैच किया और उस समय वो चुनाव जीत गए और उसके बाद उनको कोई भी मान सम्मान नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं हम तो इतने ज़्यादा दुखी थे, अब इस्तीफा देने के बाद उनको थोड़ी सांस आई है कि उनके ऊपर बिल्कुल डंडा चला रखा था, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। तो आज के समय में समझती हूँ जेजेपी का हर्ष तो लोकसभा के चुनाव में जमानत छोड़ो कहीं वोट ही नहीं ढूंढे मिल रहा था, किसी बूथ पर उनका बस्ता पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं, तो जेजेपी की तो अब कोई भविष्य नहीं, खत्म। आप मानती हैं कि जो डेफिसिट है वो लगातार हरियाणा का बढ़ता चला जा रहा है, तो इतना पैसा आएगा कहाँ से? कोई बात नहीं, बुजुर्गों के लिए, विधवा बहनों के लिए, डिसेबल्स के लिए, ये हमारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है कि हम उनको उनके बुढ़ापे में जो है 6,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन और विडो पेंशन देने का। औरतों के लिए भी कुछ है जिस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल में वादा किया था? देखिए, महिलाओं के लिए जो है हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बहुत सारी घोषणाएं करने का काम करेंगे। जैसे हमारी नारी न्याय पत्र था, उसमें महिलाओं को सबसे पहले तो सुरक्षित हरियाणा देकर, जिस प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वर्किंग प्लेस पर, शिक्षण संस्थाओं पर, कहीं भी अपने आप को अनसेफ समझ रही हैं, हरियाणा में बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति है, उनको सुरक्षा की बात करेंगे। कब तक घोषणा पत्र जारी हो जाएगा? घोषणा पत्र हमारा ड्राफ्टिंग की स्टेज पर है, जब भी हाईकमांड का आदेश होगा जारी हो जाएगा या इसी सप्ताह में? नहीं, अभी हमारा ड्राफ्टिंग पर है, जो भी हमारा कांग्रेस हाईकमांड का आदेश होगा उसी के हिसाब से उन्हीं तिथियों में हमारा घोषणा पत्र कहा जा सकता है कि जल्दी ही जारी हो जाएगा। हाँ, जल्दी तैयारी, पूरी तैयारी है जी। धन्यवाद। ये थे गीता भुक्कल, जो बता रहे थे कि घोषणा पत्र जल्दी ही जारी भी हो जाएगा और घोषणा पत्र में किन किन लोगों को सुविधाएं दी जानी है, और वहीं पर किरण चौधरी के ऊपर भी उन्होंने सीधा सीधा तंज कस दिया कि अब उनका शरीर और आत्मा दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंग्रेज, न्यूज 24, चंडीगढ़। चुनाव मतलब न्यूज 24।